गौर करिएगा कि आप यहाँ तक वैसे ही नहीं आए हैं, सक्षम थे सपने को बुनने के लिए, सक्षम थे आप एक खाका तैयार करने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट पर आप काम करते हों, मैंने अभी किसी भी प्रोडक्ट या सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है आपके काम करने के तौर तरीके या विफल या सफल होने। पहले ही बता दिया था कि मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रयास किया हूँ कि जो हमारा अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर हो और आप लोग कुछ सीखें, कुछ कर पाए। बाकी फेंकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, फेंकना हमें है नहीं, जो रियल है वही रियल है, जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने है। आप हमारे कई चैनल देख लीजिए, हमारे जो ढेर सारे वर्क होते हैं उन सब चीज़ों को देखिए। एक बार करेंगे विफल होंगे, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। दो बार करेंगे विफल होंगे, फिर नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपका, आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। जो पहले आप सोचे थे अपने माइंड में, उसका खाका बुने थे, जाल बनाए थे कि हमें ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसमें परिवर्तन होगा। हम सोचते हैं, एक खाका बुनते हैं या किसी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि वो होगा कैसे, उसको हम पहली बार करने जा रहे हैं। सोचना, खाका बनाना, बुनना, अनुमान लगाना, यह एक कड़ी है आपके। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव। जैसे कि आप लोग थंबल देखकर समझ ही गए होंगे कि लगातार अगर किसी काम को करते हुए आप 3 बार विफल होते हैं तो मान के चलिएगा कि इसके बाद कोई बड़ा अचीवमेंट आप लोगों को मिलने वाला है। दोस्तों, वैसे तो मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर तो नहीं हूँ या मोटिवेट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जब आदमी कंटिन्यू कोई काम करता है और एक ऐसे वर्ग से, एक ऐसे पिछड़े वर्ग से उठकर जब आगे आता है या एक कोई बड़ा मिसाल कायम करता है, मिसाल बनता है या मिसाल हासिल करता है, तो उसका जो काम करने का तौर तरीका होता है लोग जानना भी चाहते हैं और कितने चढ़ाव उतार आए, इन सब चीज़ों को भी लोगों के बीच में लेकर आने का एक मोटिव बनता है। मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हैं कि आप लोगों के बीच में हम शेयर ही कर सकते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि हम काफ़ी दिनों से, यानी कि मान के चलिए कि 2012-13 से जो है म्यूज़िक लाइन में काम कर रहे थे, बतौर प्रोड्यूसर करते थे शुरुआत से ही, बीच बीच में सिंगिंग भी किया, राइटिंग भी किया, और जो है अब इस समय जो है डिजिटल का टोटल वर्क है म्यूज़िक लाइन का, A to Z ऑल वर्क, रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, मतलब डिजिटल का, OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट शेयरिंग, कंटेंट ID, बहुत कुछ काम जो है इस समय भोजपुरी सिनेटेज मीडिया के माध्यम से होता है। तो एक बहुत छोटे लेवल से अगर एक बड़ा लेवल बनाया जाए और तमाम तरह की जो मगजमारियाँ हैं, जो मगजमारी होता है कोई भी काम करने के लिए, उन सब चीज़ों को झेल कर एक स्थिर स्थान पे जब लोग पहुँचते हैं या कोई भी बंदा पहुँचता है, तो उसके पास एक बहुत ही अच्छी सोची समझी रणनीति के हिसाब से काम करने का जो अनुभव होता है वो बड़ा यूज़फुल होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से देखते हैं तमाम चैनलों के माध्यम से, जैसे भोजपुरी सिनेटेज मीडिया, BCT म्यूज़िक, DSF भोजपुरी, DSTAR स्टूडियो, टेक्निकल टावर, BCT फिल्म टेक्निकल, ऐसे ऐसे करके तो तमाम चैनल हैं अपने पास, तो तमाम चैनलों पर आप लोग देखते होंगे। तो उससे क्या होता है, कहीं आप गाने में देख रहे हैं सिंगिंग कर रहा हूँ, कहीं आप देखते होंगे BCT मतलब भोजपुरी सिनेटेज मीडिया पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, टेक्निकल टावर पे आप देख रहे होंगे YouTube से संबंधित कुछ टेक्निक बता रहा हूँ, या और भी जो तमाम तरह के, तमाम कैटेगरियों के हमारे चैनल हैं उस पर अलग अलग प्रकार के वीडियो देता रहता हूँ। तो इससे क्या हो जाता है कि भाई जब तमाम कंटेंट आप लोगों के बीच में जाता है, तमाम प्लेटफार्मों के माध्यम से आप लोग देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं तो सोचने को बनता ही है कि बंदा आखिर करता क्या है, कैसे कैसे करता है, कितना काम करता है, कितने चैनल हैं, आखिर इतना व्यवस्था है कहाँ से, आखिर इतनी जानकारियाँ आई कहाँ से। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम भी तो इकट्ठा ही कर रहे हैं। आप देख कर आपके मन में असमंजस होता है, लेकिन जब हम कंटिन्यू काम करते हैं तो हमारे पास भी कुछ तो स्टोर होता ही होगा। अब मान के चलिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो है तो कम से कम 2-4-10 सिंगर डेली मुलाकात करते रहते हैं। अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है तो वहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिट, रिलीज़ का वर्क होता है, तो सब कुछ तो देखना ही पड़ता है। तो जब रिलीज़ का वर्क होता है तो भाई एडिटिंग का हो गया, पोस्टर डिज़ाइन का हो गया, डिजिटल का वर्क हो गया, प्रमोशन का वर्क हो गया, तो अगर इन सब चीज़ों को
हमें करना है तो फिर YouTube पर जाएंगे ही, और जब YouTube पर जाते हैं तो YouTube की जो जानकारियां हैं अगर टेक्निकल टावर के माध्यम से आप लोगों को देते हैं तो ये वो एक अलग जो है उपलब्धियां हो गई, जिसको आप लोग जानना चाहते हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं वीडियो में। ऐसे ऐसे तमाम काम करने के बाद जो होता है एक रिजल्ट जो निकल के आता है, एक परिणाम जो निकल के आता है, तो उस परिणाम को जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि हम शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता रहा है या जो अब पहुँचे हैं तो कितनी समस्याओं को प्रस्त करते हुए, ना जाने कितने प्रकार के चढ़ाव उतार देखते हुए और तमाम तरह की जो जो सामाजिक परिस्थितियाँ रही हैं, फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहा है, लोकल के लोगों का सपोर्ट रहा है, जो सिस्टम का सपोर्ट रहा है और जो सिस्टम में काम कर रहे हैं उनका जो सपोर्ट रहा है, और अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जो है अपने आप को प्रेजेंट करना, फिर वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मैनेजमेंट करना, अपने काम का मैनेज करना, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो करते 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 बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लगातार अगर कोई बंदा प्रयास ही करता है, एक बार मान लिया विफल हो गया, दो बार विफल हो गया, तीन बार विफल हो गया, अगर लगातार वो काम ही करता रहता है ना, तो एक बहुत ही सोची समझी और बहुत ही सटीक नपी तौली जो मीटर मतलब मापदंड होता है आपके काम करने का, उसमें सुधार हो जाता है। वैसे तो बहुत ऐसे शब्द नहीं कि जिसमें हम आप लोगों को स्पष्ट कर पाएँ, लेकिन जो मेरा मानना है अगर किसी भी काम को अगर लगातार किया जाए, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार करेंगे, लेकिन हर बार एक ही काम को अगर हम करते हैं तो हर बार जो है हमारा काम करने का जो तौर तरीका होता है उसमें सुधार हो जाता है। और सुधार ऐसे नहीं होता है जैसे मान लिया मैंने किसी काम को करना शुरू कर दिया, अब मैंने कोई गलती कर ली पहली बार प्रयास में, तो दोबारा जब हम काम करना शुरू करेंगे तो वही गलती थोड़ी ना करेंगे। अरे भाई कुछ तो हम चेंज करेंगे ना, कुछ तो हमें सीख मिला होगा पहली बार काम करने से, लेकिन जब हम दोबारा करना चाहते हैं तो उसमें परिवर्तित करके, यानी कि अपने आप को अपडेट करके या सिस्टम को अपडेट करके या जिन चीज़ों को हम करना चाहते हैं या करने वाले हैं उन सब चीज़ों को अपडेट करके बढ़िया से फिर से मैनेजमेंट करके हम शुरुआत करेंगे, काम करेंगे, ये सोचकर कि पहली बार मैंने किया था तो उसमें विफल हो गया था, लेकिन इस बार जब हम दोबारा अपडेट होकर काम कर रहे हैं तो पक्का है सफल होंगे, उम्मीद होता है। और उम्मीद किस लिए होता है, क्योंकि एक बार हम चूक चुके हैं और दूसरी बार जब हम प्रयास करते हैं तो पूरे जोश के साथ। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो हम अमेजिंग मतलब ख्वाबों में देखते हैं उसको, सपनों में देखते हैं कि हाँ हम इसको ऐसे कर ले जाएंगे और ऐसे करेंगे तो इस प्रकार का हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी कि हम सोचते हैं, एक खाका बुनते हैं या किसी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि वो होगा कैसे उसको हम पहली बार करने जा रहे हैं। सोचना, खाका बनाना, बुनना, अनुमान लगाना, यह एक कड़ी है आपके किसी भी कार्य को या कार्यक्रम को करने या जो है उसको 100% पूरा करके उसका एक रिजल्ट देने की। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं तो एकदम सब कुछ आप सोच के रखते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली करते हैं तो उसमें फर्क होता है, उसमें अंतर हो जाता है। तो वही जब आप एक बार करते हैं तो मान लिया विफल हो गए, नहीं सक्सेस मिला, तो जब आप दोबारा काम करना शुरू करोगे तो जो आपका पहले वाला परिकल्पना रहा होगा, यानी जो पहले आप सोचे थे अपने माइंड में, उसका खाका बुने थे, जाल बनाए थे कि हमें ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसमें परिवर्तन होगा और वो हकीकत परिवर्तन होगा। हकीकत क्या परिवर्तन होगा कि मान लिया आपने किसी भी प्रकार का कोई ख्वाब या सपना या जाल बुन रखा है या कोई खाका तैयार कर रखा है, लेकिन जब आप एक बार काम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा कि भाई अगर विफल होता है तब आपको उसके वास्तविकता के विषय में जानकारी हो जाता है, फिर आप दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, ऐसे ऐसे में आप अपने ख्वाबों को, अपने जो खाका आपने तैयार कर रखा है, जो मैटर आपने तैयार कर रखा है, उसका सही मतलब सही मीटर तैयार हो जाता है कि अब हमें ऐसे करना है। जो सोच रखे थे, जो बुन रखे थे वो अलग है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में आप उस समय करते हैं और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो चीज़ जो है बड़ा सटीक होता है। तो उससे जो है आपके काम करने के जो तौर तरीके होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। साथ साथ में क्या होता है
कि मान लिया आपने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, लगातार आप ट्राई करते जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने सोच रखा था, जो आपने सपनों में देखा था, वो सब चीज़ें परिवर्तित होती ही होती हैं। साथ साथ में आपका एक तजुर्बा बनता जाता है, एक अनुमान लगता जाता है। जब आप इतने सक्षम थे, एक बार गौर करिएगा कि आप यहाँ तक वैसे ही नहीं आए हैं, सक्षम थे सपने को बुनने के लिए, सक्षम थे आप एक खाका तैयार करने के लिए। किसी भी सब्जेक्ट पर आप काम करते हो, मैंने अभी किसी भी प्रोडक्ट या सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है आपके काम करने के तौर तरीके या विफल या सफल होने पर। आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। जब आप कंटिन्यूटी देंगे, कंटिन्यू काम करेंगे, लगातार काम करते करते तो कुछ चीज़ें हैं, आपका माइंड भी चेंज होगा, आपका अनुभव डबल होगा, आपके जो काम करने के तौर तरीके हैं उसमें परिवर्तन हो जाएगा, आगे चल के आप मास्टर हो जाएंगे। मैंने शुरुआत में और थंबल पर कहा था कि लगातार अगर आप तीन बार विफल होते हैं तो मान के चलिएगा चौथी बार आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है। ये सही है, इसलिए सही है कि जितनी बातें अभी तक मैंने बताया, मान लिया एक बार करेंगे विफल होंगे, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, दो बार करेंगे विफल होंगे, फिर नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपका जो है कुछ चीज़ें हैं कि जो बहुत बेकार था या जो निगेटिव था, निगेटिव प्रमोट करता था आपको, वो सब चीज़ें हट जाएंगी। तीसरी बार करोगे तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, अगर आप स्वावलंबी होंगे और साथ साथ में आप आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे और आपके पास स्वाभिमान और साथ साथ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्वाभिमानी के साथ साथ आप एक गेम चेंजर होंगे, तो गारंटी है कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उस पर आपका और मन लगता चला जाएगा, यानी कि आपका भरोसा उस पर बढ़ता चला जाएगा। तो ये लगातार दो तीन काम करने के बाद जो है कुछ चीज़ें हैं कि आपको समझ में आएगा, और जिस विषय में आप सोचते थे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, गारंटी अगर आप चौथी या पांचवी बार उस पर ट्राई करोगे तो सफल हो जाओगे। इसलिए सफल हो जाओगे कि कुछ चीज़ें होता है कि लोग शुरुआत में ही वहाँ से बिछड़ जाते हैं, बैक हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जो लगातार करते हैं, दो तीन चार बार प्रयास करते हैं, मान के चलिए कि 100 में से 90% ऐसे लोग हैं कि जो छोड़ के हट जाते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर आप 100 लोगों में से आते हैं तो 100 लोगों में से 10% लोगों में जो होते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं, बाकी 90% तो ऐसे ही छोड़ के कोई रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम धंधा करने लगते हैं, उससे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जो लगातार करता है, जो कंटिन्यूटी करता है और जो मतलब अपने माइंड में बैठा के रखता है कि हाँ हमें इसे करना है, हर हाल में करना है, किसी भी तरीके से करना है, गारंटी है यहाँ तक पहुँच जाता है और एक दिन वो सक्सेसफुल होता है और अपने हिसाब से अपनी जगह पर पहुँच जाता है। फिर उसके पास और ढेर सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उसका तो आत्मबल जो होता है वो बढ़ जाता है, जो आत्मविश्वास होता है, जो उसका भरोसा होता है अपने आप पर, अपने कार्यशैली पर, अपने काम करने के तौर तरीकों पर, वो डबल हो जाता है। और डबल होने के बाद क्या होता है, नए नए रास्तों की तलाश करने लगते हैं, नए नए अचीवमेंट मिलने लगते हैं, और वही जो है भविष्य में आगे चलकर फेमस होते हैं, वायरल होते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, लोगों के आइकॉन बनते हैं, लोग अपने बच्चों को उनका जो है स्लोगन सुनाते हैं, उनका जो है बहुत कुछ चीज़ें हैं बताते हैं कि फलनवा ने ऐसा किया, वैसा हो गया, ये है वो है, मिसाल देते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा अपने आप में और अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रयास किया हूँ कि जो हमारा अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर हो और आप लोग कुछ सीखें, कुछ कर पाएँ। बाकी फेंकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, फेंकना हमें है नहीं, जो रियल है वही रियल है, जो रिज़ल्ट है आप लोगों के सामने है। आप हमारे कई चैनल देख लीजिए, हमारे जो ढेर सारे वर्क होते हैं उन सब चीज़ों को देख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।